बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय मैजिक किचन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी हर रेसिपी आपको देखने के लिए मिले। आज हम बनाने जा रहे हैं फ्रेंच टोस्ट। जो आपको कभी दिल हो रहा है कि कुछ अच्छा खाएं और थोड़ा लाइट खाएं, चाहे नाश्ते में हो चाहे शाम में हो, तो आप फ्रेंच टोस्ट ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देख लेते हैं किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। हमको चाहिए ब्रेड, ये 6 स्लाइस ब्रेड है, 2 अंडा, तेल, ये तेल 4 टेबलस्पून है, 2 टेबलस्पून घी है, 3 टेबलस्पून शक्कर, 3/4 कप दूध। सबसे पहला स्टेप, एक बर्तन लेंगे, उसमें अंडा डाल लेंगे। अंडा डाल के मिक्स कर लेंगे। शक्कर ऐड कर देंगे। शक्कर आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप अगर ज़्यादा मीठा खाते हैं तो थोड़ा शक्कर बढ़ा ले सकते हैं, इतना मीडियम होगा। आप चाहे तो कम भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। शक्कर अंडा अच्छी तरह मिक्स हो गया है, दूध डाल के मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह एक बीटर के हेल्प से अच्छी तरह मिक्स करेंगे। शक्कर मेल्ट कर लेना है, तब तक हम ज़रा मिक्स कर लेंगे। ये मिक्सचर रेडी हो गया है, अब ब्रेड ले लेते हैं। आप चाहें तो ऐसे सारे ब्रेड का भी बना सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे ट्रायंगल कट कर भी बना सकते हैं। इस तरह से कट कर लें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तवा रख के गैस ऑन कर देंगे, थोड़ा सा तेल डालेंगे। हम शैलो फ्राई ही करेंगे, इसलिए थोड़ा तेल थोड़ा घी डालेंगे। मिक्सचर में डिप करेंगे दोनों तरफ से, बहुत ही आराम से तावे में डाल देंगे। आप अगर छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो अपने मन से शेप बना सकते हैं ब्रेड का। बच्चे खुश हो जाते हैं, उनको कुछ नया चाहिए, बच्चों को देखने में खूबसूरत लगेगा। एक मिनट हो गया है, दूसरी साइड पलट लेते हैं। थोड़ा सा घी डाल देंगे। आप चाहें तो इसको ब्राउन ब्रेड में भी बना सकते हैं, ये मिक्स ब्रेड है। घी डालते ही बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, ब्रेड टोस्ट हो रहा है, घी अंडा मिलके बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। जो लोग अंडा नहीं खाते हैं वो लोग भी ब्रेड टोस्ट खा सकते हैं, जिनको अंडा नहीं पसंद है, क्योंकि बना देने के बाद इसमें थोड़ी भी अंडे की स्मेल नहीं आती है। घी और ब्रेड में इतना अच्छा जज्ब हो जाता है, तो आप बच्चों को आराम से खिला सकते हैं। देख लेते हैं, हम दूसरी तरफ हो गया है तो थोड़ा सा और पलटा लेंगे हम। आप देख सकते हैं अच्छी तरह ब्राउन हो गया है, दूसरी तरफ भी थोड़ा ब्राउन कर लेंगे। ब्रेड टोस्ट हो गया, अब निकाल ले सकते हैं हम लोग। ये ज़्यादा हार्ड नहीं करना है, थोड़ा सॉफ्ट रहा तो ही अच्छा लगता है। ऊपर से ऐसे क्रिस्पी, अंदर से थोड़ा सॉफ्ट, तभी अच्छा लगता है। बहुत हार्ड हो गया तो बहुत सूखा सूखा रहता है, नहीं अच्छा लगता है। आपके ब्रेड का जो भी शेप है आप फिर वैसे ही डिप करेंगे, फिर डाल देंगे। तो लीजिए, 5 ही मिनट में फ्रेंच टोस्ट बनके तैयार है। आप ज़रूर इसको बनाइए, शाम में या नाश्ते में भी आप एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी आपके सामने नई रेसिपी लेके हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।